एक बार फिर से हाजिर हैं हम आप सभी के सामने सीरियल उड़ारियां से जुड़ा एक नया अपडेट लेकर। इस वक्त लगातार उड़ारियां के फैंस के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर तेजो का क्या होगा? क्या तेजो वाकई मर जाएगी और क्या लंदन में फिर से नई शुरुआत होगी? काफी सारी बातें फैंस के जहन में चल रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। वेल, हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया था कि सभी को ये लगेगा कि तेजो की मौत हो जाएगी, लेकिन अंगद उसे जिंदा रखेगा और इस बात की खबर वो किसी को भी नहीं लगने देगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सबसे छिपा कर रखेगा तेजो को। लेकिन फतेह तेजो के मरने के बाद पूरी तरह से टूट जाएगा, बिखर जाएगा और वो तेजो की यादों में ही डूबा हुआ नजर आएगा। आप देखेंगे कि लंदन में फतेह की भी नई शुरुआत होगी। दरअसल वो इंडिया छोड़ने का मन बनाएगा, पंजाब में उसका मन नहीं लगेगा क्योंकि उसी पंजाब में उसने तेजो के साथ सुनहरे पल जिए थे। ऐसे में वो अपनी फैमिली को ये कहकर छोड़ देगा कि उसे अब यहाँ नहीं रहना, क्योंकि यहाँ रहकर उसे तेजो की यादें आती है, जिसके बाद वो चला जाएगा लंदन। और गॉसिप्स के गलियारों से अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि लंदन में होगा तेजो और फतेह का आमना सामना। तेजो भूल चुकी है फतेह को, उसे अपने अतीत का कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जब फतेह तेजो को देखेगा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाएगी। बल्कि तेजो उसे नहीं पहचान पाएगी, तेजो कुछ भी याद नहीं कर पाएगी, लेकिन फतेह को लगेगा कि ये उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। वहाँ पर वो तेजो को देखकर हैरान हो जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में ये जानकारी भी सामने आई है कि शायद तेजो की हमशक्ल लड़की को एक बार फिर से हम सीरियल में देखेंगे, जो कि सस्पेंस क्रिएट करती नजर आएगी। लोगों के मन में बार बार रह रह कर ये सवाल आएंगे कि आखिर ये तेजो है या कोई और है, क्योंकि वो तेजो से जुड़ी हर बात को भुला चुकी होगी। आगे क्या कुछ होता है सीरियल की कहानी में और क्या वाकई फतेह तेजो को पहचान पाएगा और तेजो सब कुछ याद कर पाएगी, जैस्मीन का क्या होगा और अंगद किस तरह से लंदन में सेटल होने वाला है, इन सारे सवालों का जवाब हम आपको अपनी अपकमिंग रिपोर्ट्स में ज़रूर देंगे। टीवी टाउन से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।